नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। भागलपुर में उच्च न्यायालय खंडपीठ की स्थापना के लिए अधिवक्ताओं द्वारा एक दिवसीय धरना सभा का आयोजन हुआ। वहीं इसको लेकर बाल आनंद मिश्र बाबुल ने कहा कि सभी अधिवक्ता लंबे समय से भागलपुर में उच्च न्यायालय के खंडपीठ की मांग कर रहे हैं और इसी को लेकर अपनी मांगों के समर्थन में अधिवक्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान अधिवक्ताओं ने कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती है तब तक विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। इसके अलावा सभी प्रदर्शनकारी अधिवक्ताओं ने उच्च न्यायालय खंडपीठ की जल्द स्थापना की मांग दोहराते हुए इसे भागलपुर अधिवक्ताओं के साथ आम लोगों के हित में बताया। धरना प्रदर्शन में अधिवक्ता संजीव कुमार, श्री प्रभात कुमार, सृष्टि नाथ झा, वसीम खान, विनय कुमार पोद्दार के अलावा भागलपुर जिला विधिक संघ के कई अधिवक्ता मौजूद रहे। हम लोग ये चाहते हैं कि भागलपुर में, जो कि बिहार का सबसे पुरानों में से एक बार एसोसिएशन है, 1882 में इसकी स्थापना हुई है और आज भागलपुर इतना बड़ा क्षेत्र है, दक्षिणी बिहार का और पूर्वी बिहार का काफ़ी बड़ा हिस्सा सुलभ न्याय से वंचित है। इसलिए हम लोगों का ये मांग है कि भागलपुर में उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना हो ताकि हम लोगों को सुलभ न्याय मिल सके। चार दिनों तक चलने वाले लोक आस्था के महापर्व चैती छठ पूजन की शुरुआत नहाए खाए के साथ शनिवार से हो गई। बता दें कि प्रत्येक वर्ष चैत्र और कार्तिक मास में छठ पूजा होती है, जिसके कारण साल में दो बार छठ पर्व मनाया जाता है। वहीं देश के कई हिस्सों में धूमधाम से मनाए जाने वाले चैती छठ पर्व को लेकर शनिवार को नहाए खाए के साथ कद्दू भात का भोजन तैयार किया गया। विशेषकर बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में लोक आस्था के महापर्व को बड़े ही आस्था के साथ मनाया जाता है। इसको लेकर मां आनंदी संस्थान की ओर से लोक आस्था का महापर्व चैती छठ की विधिवत शुरुआत नहाए खाए के साथ हुई। इस दौरान शहर के बरारी घाट पर छठ व्रत के प्रयोग में आने वाले नारियल, कद्दू, साड़ी, सिंदूर, चावल समेत पूजन सामग्रियों का वितरण भी छठ व्रतियों के बीच किया गया। लोक आस्था के महापर्व चैती छठ के शुभ अवसर पर आज हम सभी मां आनंदी संस्था के सदस्य यहाँ एकत्रित हुए। यह छठ पर्व जो है यह आज से ही नहीं बल्कि इनकी परंपरा त्रेता युग और द्वापर युग में ये माता सीता के द्वारा भी चैती छठ किया गया था और ये पांडव के द्वारा, पांडव जब हार गए थे अपने जुए में, बहुत सारे जो हार गए थे तो माता द्रौपदी के द्वारा भी ये जो है छठ व्रत किया गया था और उसके बाद भी बहुत सारे ऋषि मुनि जिनके पुत्र नहीं हुआ करते थे तो वो प्रियंवत ऋषि के पुत्र नहीं हुए थे तो वो ऋषिवत यज्ञ के पश्चात उनको बालक की प्राप्ति तो हुई थी लेकिन वो बालक मृत पैदा हुए थे लेकिन माता छठ माता के असीम कृपा से ही उनकी जो बालक है पुनः जीवित हुए और ये जो है ये सांस्कृतिक परंपरा है हमारी और इसके जो ज्योतिषीय और साइंटिफिकली भी इसके जो है वैज्ञानिक रूप से भी इसके कई फायदे हैं। भागलपुर का सनहोला अंचल कार्यालय दलालों का अड्डा बन चुका है, जिसका एक वीडियो भी कुछ दिन पहले वायरल हुआ था, जिसमें राजस्व कार्यालय में कर्मचारी के जगह दलालों के द्वारा सरकारी दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा था। वहीं इसको लेकर कुछ लोगों का कहना है कि राजस्व कार्यालय में कर्मचारी मौजूद नहीं रहते हैं, जिसके कारण दलाल के द्वारा म्यूटेशन और रसीद कटाने के नाम पर मोटी रकम वसूल की जाती है। इधर वायरल वीडियो को लेकर कार्यवाही के नाम पर महज राजस्व कार्यालय को पिछले एक सप्ताह से बंद रखा गया है। वहीं इसकी सूचना पाने के लिए अंचलाधिकारी के पास पत्रकार के पहुंचने पर अंचलाधिकारी भी कार्यालय में मौजूद नहीं थे। इस दौरान अंचल कार्यालय में मौजूद परेशान व्यक्तियों ने बताया कि कई दिनों से अंचल का चक्कर लगा रहे हैं लेकिन काम नहीं हो पा रहा है। साथ ही कहा कि अपना सारा काम छोड़कर वे लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं लेकिन फिर भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर जब पत्रकार ने अंचलाधिकारी को फोन किया तो सीओ ने कहा कि कर्मचारी से स्पष्टीकरण पूछा गया है लेकिन अब तक उन्हें जवाब नहीं मिला है। बहरहाल देखना यह है कि राजस्व कार्यालय कब तक बंद रहता है। छह महीना से बेसी करा था, रसीद ना कटला छे? ना, छह महीना दौड़ी रहा की नाम हले बाबा तोरो? छोटे लाल मंडल। छोटे लाल मंडल छह महीना दौड़े रसीद ना कटी? ठीक है, रसीद कटेंगे। ठीक है, कर्मचारी तेरे ने देखे चल तेरे ना देखो ना, घर कहाँ ना बाबा? घर तो सुठियारी बोल। क्या परेशान के ऑनलाइन मांग किया है, रसीद कटाई है, यहाँ कटाने के लिए आया है तो उसका भी जो
जोर से पैसा लेगा तब कटाएंगे, नहीं जाइए। कितना पैसा आपसे मांगता है? अभी तो 300 मांग रहा है। 300 मांग रहा है, कौन मांगा है? कर्मचारी। कर्मचारी कौन है आपके पंचायत का कर्मचारी कौन है? बोरा पाठक जी। भागलपुर NTPC लिमिटेड कहलगांव की ओर से शनिवार को मीडिया कर्मियों के साथ गेट टुगेदर प्रोग्राम के तहत कहलगांव अंग भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहलगांव NTPC के परियोजना प्रमुख नारायण प्रकाश शाह ने सबसे पहले मीडिया कर्मियों से परिचय प्राप्त कर प्रबंधन द्वारा बिजली उत्पादन के अलावा विभिन्न परियोजना से संबंधित जानकारी दी, जबकि इस दौरान महाप्रबंधक ने पत्रकारों के कई सवालों के भी जवाब देते हुए विद्युत उत्पादन के अलावा सामाजिक जिम्मेदारी और विकास कार्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की। उन्होंने कहा कि जनता तक NTPC की सभी परियोजनाओं और विकास से जुड़े कार्यों की जानकारी पहुंचाना आवश्यक है, जिससे लोग भी जागरूक होकर इसका लाभ ले सके। परियोजना प्रमुख नारायण प्रकाश शाहर ने कहा कि NTPC कहलगांव 2340 मेगावाट बिजली उत्पादन के साथ नैगम सामाजिक दायित्व में सतत अग्रसर है, जबकि इसके अलावा NTPC कहलगांव ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में कई उपलब्धि और अवार्ड भी हासिल की है। साथ ही NTPC के परियोजना प्रमुख ने कहा कि अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने के साथ अधिक से अधिक विद्युत उत्पादन के लिए कहलगांव NTPC प्रबंधन कटिबद्ध है। इसके अलावा उन्होंने लोगों से सभी बिजली उपभोक्ताओं से बिजली का दुरुपयोग नहीं कर बचत करने की अपील भी की। वहीं प्रबंधन से जुड़े कई पदाधिकारियों ने कहा कि सोलर या ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देकर इसके उत्पादन को बढ़ाया जाए। NTPC कहलगांव ने पर्यावरण उत्कृष्टता के लिए एनर्जी एंड एनवायरनमेंट फाउंडेशन द्वारा स्वर्ण श्रेणी में प्रतिष्ठित EF ग्लोबल एनवायरनमेंट अवार्ड 2022 प्राप्त किया है। इसके अलावा पदाधिकारी ने बताया कि NTPC कहलगांव स्टेशन को इस वर्ष 250 से 500 मेगावाट श्रेणी में पर्यावरण उत्कृष्टता के लिए CEE पर्यावरण उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है। कार्यक्रम में रंधन प्रबंधन के GM SK साहब, प्रचालन के महाप्रबंधक वी राजेंद्र कुमार, राख डाइक प्रबंधन के GM राजेश गुप्ता, मानव संसाधन के उप महाप्रबंधक अजय प्रसाद ने भी संबोधित किया। विद्युत उत्पादन के लिए ये जो है बहुत ही विश्वसनीय, मतलब रिलायबल पावर बोलते हैं जिसको हम, NTPC हमेशा रिलायबल पावर ये है और सस्ते पावर जैसे अभी बात हो रही थी, तो हम हमेशा उसके जो विद्युत दर को कम करने की पूरी कोशिश में लगे रहते हैं और हम लोग करने के लिए सफल भी हुए हैं। और जनता से यही अपील है कि जो है बिजली का जो है दुरुपयोग न करें और जहाँ पर जरूरत न हो उसे ऑफ कर दिया जाए। कुछ नई शुरुआत को लेकर के नई शुरुआत सोलर में, अभी सोलर में भी हम तो सोलर में 3 मेगावाट है हमारा और भी हमारे प्लान चल रहे हैं, तो इस तरह का जो ग्रीन एनर्जी बोलते हैं जिसको, उसके लिए भी हम लोग आगे जाएंगे और उसके लिए अभी फिलहाल जगह ढूंढ रहे हैं, अगर और मिल जाए तो हम और भी सोलर पाएंगे। और इस तकनीक में जो है हमें सीमेंट की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती, हम राख और स्लैग जो स्टील प्लांट से निकलता है और एक उसमें एक सोडियम सिलिकेट लगता है और एक KOH भी लगता है जो अल्कलाइन है, ये सब मिक्स करके बनाते हैं, तो उसमें जो है उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी रहती है और ये काफ़ी दिन तक चलता भी है। ये टेक्नोलॉजी अभी विकसित हो रही है और ये पूरी तरह से विकसित होने के बाद जब इसमें कमर्शियल वायबिलिटी आएगी तो ये और भी जगह पर हम उसको बनाएंगे। अभी फिलहाल दो ही जगह पर है, एक रामामुंडम है और एक कहलगांव है, और कहलगांव का जो है सबसे लंबा, रामामुंडम इतना बड़ा नहीं है। अब वो तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए Silk TV। विवाह कलेक्शन, आपका अपना कलेक्शन, हमारे यहाँ आपके लिए बेहतरीन कपड़ों का इंतजाम है, एक बार जरूर तशरीफ लाएं और खिदमत का मौका इनायत फरमाएं। ईद की इन खुशियों में विवाह कलेक्शन को अपनी पसंद बनाएं। हमारे यहां आपके लिए है सलवार सूट, लहंगा, चुनरी, गाउन, डिजाइनर ड्रेस, शेरवानी, कोट पैंट, किड्स लहंगा और भी बहुत कुछ मौजूद है, एक बार जरूर तशरीफ लाएं। एड्रेस सूजागंज नियर इंदारा स्टेशन रोड भागलपुर, कॉन्टेक्ट नंबर 7677474018।
ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। बढ़ते नकली खबर की ओर। भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड के कृषि भवन प्रांगण में बिहार सरकार के निर्देश पर कृषि पदाधिकारी अजय मणि के नेतृत्व में एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान अनत्यज सेवा समिति चैनवा सारण के कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से किसानों को जागरूक किया। वहीं इसको लेकर BTM त्रिभुज नारायण सिंह ने बताया कि बिहार सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में जैविक खेती, समेकित कृषि प्रणाली, जल जीवन हरियाली, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, जलवायु अनुकूल कृषि, फसल अवशेष सूक्ष्म सिंचाई पद्धति, आत्मा द्वारा संचालित योजनाओं और आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग के अलावा गर्मा फसल की जानकारी नुक्कड़ नाटक के माध्यम से किसानों को देकर जागरूक किया गया। इस दौरान कृषि विभाग के कृषि सलाहकार प्रदुमन चौरसिया, प्रिय प्रभात सिंह, कौशल किशोर कौशिक, अनु कुमारी और सभी समन्वयक समेत सैकड़ों की संख्या में किसान मौजूद थे। आज जो है प्रखंड सुल्तानगंज कई किसान भवन में पटना द्वारा जो है बामेती के द्वारा आए हुए कला जत्था के द्वारा जो है नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं जैसे जल जीवन हरियाली, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, फसल प्रवेश प्रबंधन और गर्मा मूंग की खेती पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिए बीज उठाव कर किसानों को जो है और प्रधानमंत्री का जो है सिंचाई योजना जो है टपक सिंचाई योजना और ड्रिप इरीगेशन स्प्रिंकलर सिस्टम को अपनाकर किसान जो है इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित होंगे और उनकी आमदनी को दुगनी करने का एक जो है बहुत ही सार्थक प्रयास हो रहा है। पीरपैंती थाना परिसर में राम नवमी एवं रमजान को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित हुई। इसकी अध्यक्षता प्रखंड विकास पदाधिकारी चंदन कुमार चक्रवर्ती और थानाध्यक्ष राजकुमार ने की। वहीं बैठक का संचालन करते हुए घनश्याम दास ने लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से पर्व मनाने के साथ उपद्रवी तत्वों की पहचान कर पुलिस को सूचना देने की बात कही। बैठक में रमेश रमन, शिव बालक तिवारी, मोहम्मद सुल्तान, मुखिया बंटू राम सहित शांति समिति के सदस्य शामिल थे। बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए जहां युवाओं को दर दर की ठोकरें खाने को विवश होना पड़ता है, वहीं इसके कारण कई बार बेरोजगार युवा आर्थिक मदद के अभाव में अपना रोजगार भी शुरू नहीं कर पाते हैं, जिससे बेरोजगारी का दंश झेलते हुए अक्सर गलत कदम भी उठा लेते हैं। वहीं इसको लेकर भागलपुर के युवा ने सकारात्मक पहल करते हुए ऐसे बेरोजगार और युवाओं को रोजगार से जोड़ने की पहल शुरू की है। दरअसल भागलपुर जीरो माइल लक्ष्मी मार्वल के समीप संचालित KKNGC प्राइवेट लिमिटेड के CEO सुमन सौरभ युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए कई तरह की योजना शुरू की है, जिसके तहत बेरोजगारों को व्यापार के लिए आर्थिक मदद के साथ ऋण की भी सुविधा मुहैया कराई जाएगी। इसको लेकर सुमन सौरभ ने बताया कि बेरोजगार युवा को 25,000 से 75,000 तक का ऋण बिना किसी ब्याज दर पर दिया जाएगा, जबकि इसके बाद रोजगार सुचारू होने के बाद कमाए गए मुनाफे की राशि से युवा पैसे वापस कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि कंपनी की ओर से ग्रामीण स्तर से शुरू कर शहर में भी बेरोजगार युवाओं का सर्वे किया जाएगा, जिसके आधार पर हेल्थ केयर, फाइनेंस, FD, RD, म्यूचुअल फंड के अलावा शिक्षा विभाग, वाहन, गोल्ड, कृषि और व्यापार के लिए लोन की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि अब बिहार करेगा व्यापार और बिहारी बनेंगे व्यापारी के लक्ष्य को लेकर उन्होंने यह शुरुआत की है। के साथ हमसे मर्ज हुए और फाइनेंशियल सेक्टर से सपोर्ट करेंगे, साथ में मेरे पास 200 एक्टिव मेंबर है और 1900 एक्टिव मेंबर नहीं है, वो भी एक्टिव हो जाएंगे। उसमें 16 मेंबर का जो भी है क्लियरेंस हो जाएगा 15 अप्रैल से लेकर के 15 नवंबर के बीच, और हम जो है अब बिहार में व्यापार देंगे, अब बिहार बनेगा व्यापारी, बेरोजगारी नहीं रहेगी बिहार में, बिहार करेगा व्यापार, बिहार बनेगा व्यापारी। और हमारे जो संस्था है KKNGC वो सिर्फ पहली भारत में सबसे पहली लॉन्च की हुई KKNGC है और इसका मेन डायरेक्टर जो है वो दीपक सिंह है और सुनील पी है, ये इनका घर केरला पड़ता है तथा विजया लक्ष्मी के को डायरेक्टर रह चुके हैं और अभी भी वर्तमान में हैं। उन्हीं के द्वारा जो भी हम लोग को सपोर्ट किया या मर्ज किया
उसके लिए हम विजयलक्ष्मी को सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ, साथ ही सभी को धन्यवाद देता हूँ जिस सदस्य ने मेरा अभी तक साथ दिया, और बहुत जल्दी और कुछ देखने को मिलेगा, अब बिहार में व्यापार होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।